सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ करता हूँ। मेरा नाम सैयद मोहम्मद बुक्की, ज़िला डेरा बुक्की, तहसील पेलावर, मौजा कोपतल, रहायशी हूँ। लेकिन कुछ दिन पहले तो सोशल मीडिया में एक वीडियो अपलोड हुआ, आप लोगों ने भी मीडिया वालों ने देखा होगा कि वो मनगढ़ंत और बेबुनियाद और झूठ था। लेकिन हमारे और हमारे भाइयों के ऊपर उसने झूठा इल्ज़ाम लगाया। हम लोग बाप दादे से एक ज़मीन है कोपतल के नाम, डिंगडोर से मशहूर हैं, हम लोग वहाँ आबाद हैं। हमारे हमसाए का एक कबीला है, उसको मेराजी कबीले के नाम से मशहूर हैं, वो ज़मीन हमारा बार बार हमारे ज़मीन को कब्ज़ा कर रहा है। सन 1980 में वो ज़मीन का फैसला हुआ, मसूरी कबीले ने खुद किया। उसमें मसूरी कबीले के जो मोतबरीन थे उसका मुकदम हासिला नौकानी और मरहूम मुकदम लाल खान अमीरजी ने ये फरीकों की ज़ेर निगरानी में हुआ। इस फैसले को दलेल मेराजी ने खुद को भी तस्लीम किया कि ये ज़मीन से मैं बेहक हूँ। कुछ अरसे के बाद दोबारा इस तनाज़े जन्म ले लिया। इस तनाज़े से को दोबारा भर फिर दोहरा करने के लिए मरहूम नवाब अकबर खान भुक्ती ने 1986 में मसूरी कबाइल के चंद मोतबरीन को सालसत बनाकर भेजा। दोनों फरीकन के माई बहन बाहमी रजामंदी से आग पर फैसला तय पाया। मुराद अली नौकानी के भाई हज़ार खान नौकानी ने लूह कुरान की रोशनी में आग पर चलकर साबित कर दिया कि वो इस ज़मीन का हकीकी मालिक हैं। कुरान पाक की बरकत से आग उन पर पानी बनकर साबित कर दिया। मोतबरीन ने इस फैसले को कलमबंद कर दिया, जो कि आज भी सबूत के तौर पर मुराद अली नौकानी और इसके भाई हज़ार खान नौकानी के पास मौजूद हैं। इस फैसले में नवाब मोहम्मद अकबर खान भुक्ती की तरफ से जो सालसत मशीरा किरदार अदा करने वाले मोतबरीन का में वडेरा शामुराद नौकानी, मुकदम नसीर खान वडेरा, फतेह मोहम्मद नौकानी मरहूम वडेरा, खान मोहम्मद नौकानी, मुकदम लाल खान अमीरजई, मुकदम मीर हजार खान अमीरजई, फौजी शेर अली और दीगर के इलाके के दीगर मुअज्ज़ज़ मोतबरीन शामिल थे। इन मोतबरीनों में वडेरा शामुराद नौकानी, मसूरी भुक्ती, मुकदम नसीर खान और चंद दीगर मोतबरीन अस्तुहयात हैं, जिनमें इस फैसले के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल किए जा सकते हैं। दलेल के बेटे कायम मेराजी इस फैसले में बेहक और कूड़ा करार दिए गए और बलोची रस्म रवाज के मुताबिक कायम मेराजी से 10,000 रुपये का डमांड बतौर जुर्माना मुराद अली के भाई हज़ार खान नौकानी मसूरी भुक्ती को दिया गया। चंद साल गुजरने के बाद कायम मेराजी ने ज़मीन को दोबारा कब्ज़ा करना शुरू किया। मैं पुरजोर अपील करता हूँ जनाब पाकिस्तान वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब, आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब से, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वज़ीर आला जनाब बलूचिस्तान जाम कमाल साहब से, वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान जनाब खालिद लांगव साहब से, कोर कमांडर बलूचिस्तान से, IGFC बलूचिस्तान से, कमिश्नर सीबी डिवीज़न से, DC डेरा बुक्ती से, तहसीलदार फेलावग से, दफेदार फेलावग से, सेनेटर मीर सरफराज अहमद बुक्ती से, MPA डेरा बुक्ती नवाबजादा वाराम बुक्ती से, चीफ ऑफ बुक्ती वडेरा मोहम्मद शरीफ बुक्ती से, साबका MPA मीर तारिक हुसैन मसूरी साहब से, चीफ ज़ादा हाजी खान मोहम्मद भुक्ती से, वडेरा गुलाम हैदर मसूरी भुक्ती से,
वडेरा अली नवाज अमीरजई मसूरी बुगती से, हाजी नसीबुल्ला नौकानी से, वडेरा मोहम्मद यूसफ मसूरी बुगती, वडेरा शामुराद खान मसूरी बुगती, वडेरा मोहम्मद मुराद नौकानी बुगती, वडेरा शेर मोहम्मद शाहलीजई अमीरजई बुगती और इलाके के दीगर मोतबरीन और बाअसर शख्सियत से पुरजोर अपील है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए और मुखालफिन के ग्रुप मनगढ़ंत गुमराहकुन नाजेबा बेबुनियाद गिरदारकशी और बलोची रस्म व रवाज के खिलाफ बयान देने से गुरेज किया जाए। और मैं तमाम मीडिया हजरात से गुजारिश है कि आप लोग हमारे ये अल्तजा पूरा पाकिस्तान तक जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक पहुँचाएँ, आर्मी चीफ तक पहुँचा देवें कि हमें इंसाफ दिलाया जाए।